सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हमें याद किया आपने। जी बहुत याद आ रही थी आपकी। हमने भी बहुत याद किया आपको। अब्दुल हमीद के तमाम दुश्मनों को एक छत के नीचे जमा करने का वक्त आ गया है। पारवस का दावतनामा, वो नई दुनिया की खोज में है, और उस दुनिया में अब्दुल हमीद की जगह बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि हमने उन्हें एक अहम फरीजा सौंपा हुआ है। कुछ वक्त लग सकता है, जल्द ही वो बखैरियत वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। आप खाना खाइए, चाहे जान चली जाए, वो नक्शे हर सूरत में पाए तक पहुंच जाने चाहिए। सिर्फ एक बार मिलना चाहते हैं वो आपसे। क्या उनका इतना भी हक नहीं रहा आप पर वालिदा? नहीं सबाहती, उनका हम पर कोई हक नहीं रहा। हमारा ताकुब हो रहा है। हमने एक ऐसा नक्शा बनवाया जिसमें उन इलाकों की निशानदेही है जहां तेल के ज़खायर मौजूद हैं। जल्द वो नक्शा हमारे पास होगा इंशाल्लाह। ये उस कैफे का मुलाजिम ही है ना? ये यहां क्या कर रहा है? तुम इस इंजीनियर पे नजर रखना, मैं आता हूं। किसने भेजा है तुम्हें? किसके लिए काम करते हो तुम? बताओ। आ,
मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। कैफे से हमारा पीछा करते हो यहाँ तक आ गए, तुम्हें किसने भेजा है? तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हुई है, मैंने किसी का ताकुब नहीं किया। ये सच कह रहा है, इसने ताकुब नहीं किया। ये दिन को कैफे में और शाम को होटल में काम करता है। ये सच है। माफ करना, गलती हो गई मुझसे। बेवकूफ आदमी। ये तुम्हारा कमरा नहीं है गालिबन? मुझे लगता है कि गलत चाबी दे दी है उन्होंने। मेरे कमरे का नंबर 301 है। पिस्तौल नीचे कर लो। बुरी खबर आग की तरह फैलती है बाजी, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। और अल्लाह न करे कुछ बुरा हुआ हो, कुछ होता तो हमें पता चल जाता। हाँ मुमकिन है, लेकिन हम हाथ पे हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते फहीमे। मालूम नहीं हुआ तो पागल हो जाएंगे हम। नायमी को भी अभी तक मालूम नहीं हुआ तो आप कैसे करेंगी? बीदार सुल्तान, सुल्तान से मालूम कर सकती हैं। हो सकता है नायमे कमालुद्दीन पाशा की सूरत हाल से वाकिफ हों। कहाँ जा रही हैं आप? इस मसले का हल सिर्फ नायमे है। ये कैसी बातें कर रही हैं बाजी? अगर आप उनके लिए इस तरह परेशान होंगी तो वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? अब हम नहीं रुक सकते, कुछ ना कुछ तो करना होगा हमें। एक नेक काम के लिए आपकी मदद की जरूरत है हमें। कैसा नेक काम? अनकरीब महल में दो शादियां होने वाली हैं। अब्दुल कादिर, क्या आप आसन से शादी की दरख्वास्त की है हमने? वो बहुत अच्छी हैं, हम आसन को पसंद करते हैं। बाबा भी उनका बहुत ख्याल रखते हैं। हमें यकीन है कि वो भी ये रिश्ता कबूल कर लेंगे। हम आपका साथ देने के लिए राजी हैं। शुक्रिया। तो फिर एक काम करें, आज शब उन्हें किसी भी तरह बाग में भेज दें। फिक्र मत करें, वो वहां जरूर आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका। शहजादे, माशाल्लाह नायमे सुल्तान, मुस्कुरा रही हैं आप। खदीजा, हम बहुत खुश हैं। बाबा ने कमालुद्दीन से मुतालिक परेशानी दूर कर दी हमारी। उन्होंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं, हम उनकी हिदायत पर अमल कर रहे हैं। हाँ क्यों नहीं, अगर ये सुल्तान की हिदायत है तो ऐसा ही करना चाहिए। देखो, ये है तुम्हारी फांसी का हुक्मनामा। कैसी फांसी?
हमें सिर्फ इसे डराना है। इस बेईमान गद्दार का हम क्या करेंगे फिर बताओ? जाने दें इसे। सुल्तान कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे। हम कहाँ हैं इस वक्त? बर्लिन में, यानी अपनी रियासती हदूद से बाहर हैं। ये बताओ, इसे जुर्म की सजा देने वाली अदालत कहाँ है? नहीं है। क्या यहाँ पे काजी है? नहीं है। क्या मतलब है? मतलब यही अदालत लगाएंगे हम। उस्मानी रियासत के साथ गद्दारी करने की सजा तुम ही बता दो मुझे। सिर्फ फांसी? फैसला तो तुमने खुद कर दिया। सजा दूंगा मैं। आ जाए। मोहतरमा, नायम सुल्तान बाग में आपकी मुंतजर हैं। रात के इस पहर? क्या आप जानती हैं क्यों बुलाया है? नहीं। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। फिरोजी कहाँ है आप? हमारे सामने आइए, हुक्म है हमारा, जल्दी आइए। शहजादी, आसन। शहजादे आप? नाइम सुल्तान ने बुलाया था मुझे। हमने कहा था उन्हें आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी फरमाइए शहजादे। ये रंग आप पर बहुत जचता है, हमें पसंद है ये रंग। आसन, इस रंग में और भी खूबसूरत लगती हैं आप। शुक्रिया आपका। जब हम बाहर देखते हैं चराग़ों से रोशन घरों में रहते खुश व खुर्रम लोग अपनी सौजा और बच्चों के साथ, हमें उनसे जलन होती है, हसद करते हैं हम, क्योंकि इस वसी महल में तन्हा हैं हम। पहले उदास थे,
लेकिन अब यहां आप हैं। हमारी जौजा बनेगी आप? शहजादे, मैं बहुत मशकूर हूं आपकी, मगर मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप दुखी हैं, हम जानते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि ये वक्त जल्द गुजर जाएगा। हमें आपके जवाब की कोई जल्दी नहीं है, सोच लें अच्छी तरह। शहजादी, आपके सोने का वक्त हो चुका है। शहजादी, हमें अभी नहीं सोना। अगर सोएंगी नहीं तो आप सुबह हशाश पशाश कैसे होंगी, फिर खेलेंगी कैसे? सुना है यहाँ एक शहजादी है जो सोना नहीं चाहती। आपको किसने बताया? एक परिंदे ने। मगर परिंदे तो बात नहीं करते। मगर परिंदे तो बोलते ही नहीं। तो क्या बातें करने वाले परिंदे की कहानी सुनना पसंद करेंगी आप? जी हाँ बाबा जान। आइए हम आपको सुनाते हैं। जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है। ये बहुत पुराने वक्त की बात है, जब दुनिया में अमनो चैन था। लोग मेहनत करते थे और अपनी रोजी कमाया करते थे। किसी मुल्क में जन्नत का एक परिंदा रहा करता था। वो खूबसूरत परिंदा आसमान की बुलंदियों पर परवाज किया करता था और उस मुल्क के लोगों में अमन और खुशियां फैलाया करता था। लेकिन एक दिन एक बदनीयत शिकारी उस जन्नत के परिंदे के पीछे पड़ गया। उसका मकसद उस परिंदे के पर काटना था, ताकि उस मुल्क के लोगों से उनका अमन और खुशियां छीन सके। ग्रेफेंड साहब कौन है? आप उनसे कैसे वाकिफ हैं? वो एक जर्मन इदारे का सरबरा है, बहुत ही मेहनती। उसके इदारे ने बहुत तरक्की की है। हम शहजादे थे तब से उनसे रब्ता है। उन पर हमारे हसास काम के लिए आपके दोस्त होने के नाते भरोसा किया जा सकता है? हम तवील अरसे से दोस्त तो हैं, लेकिन आज तक मुलाकात नहीं हुई। तीस साल कबल उन्होंने एक खत के जरिए अपना तारुफ करवाया था। उन्होंने एक इजाद की थी और उसके लिए उन्हें रकम की जरूरत थी। हमने उनकी मदद की, तब से ही हमारा उनसे रब्ता है, लेकिन हमें कभी उनसे मुलाकात का मौका नहीं मिल सका। सुल्ताना, आप दोनों की मुलाकात का जल्द इम्कान है।
ग्रेफेंट साहब पाया तख्त आ चुके हैं। आफरीन। डरो मत मेरे दोस्त, डरो मत। मेरी बहादुरी का निशान मेरे माथे पर है। हम बस पहुंचने वाले हैं। चार स्टेशन के बाद हम इस्तांबुल पहुंच जाएंगे। तुम स्टेशन गिनते हुए आ रहे हो क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने निशान देखा है, अब ज्यादा दूर नहीं है हम। एक खास बात बताऊं, हमारा ताकुब अब भी जारी है। ताकुब हो रहा है तो क्या हुआ? एक बार पाया तख्त पहुंच जाए फिर वो कुछ नहीं कर सकेंगे। या अल्लाह, क्या हुआ? वो कैफे वाला मुलाजिम होटल के साथ साथ ट्रेन में भी मुलाजमत करता है। कुछ ज्यादा ही बासलाहियत है। बहरहाल इसे पकड़ो तुम, मैं उससे निपट कर आता हूं। उसके साथ बहुत सारे लोग हैं। तुम नक्शा लो और रफ्तार तेज होने से पहले ट्रेन से कूद जाओ। इन्हें यहां संभाल लूंगा मैं। अकेले संभालोगे? उस्मान, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जल्दी करो, कूद जाओ। मेरी फिक्र मत करो, तुम नक्शे को महफूज रखो। हरगिज नहीं। बात मान लो उस्मान, जल्दी करो, कूद जाओ, जाओ। जल्दी जल्दी करो। कौन है? हम यिल्दिज महल से आए हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जनाब। आपको महल ले जाने के लिए आए हैं। सुल्तान ने आपको खुसूसी दावत पर बुलाया है। आइए, मैं बस तैयार ही हूं। सामान ले लूं जरा। मैं आपकी मदद कर देता हूं। ये कोट पहन लीजिए। जहमत ना कीजिए। जहमत कैसी जनाब, आपकी खिदमत हमारी खुशी का बाइस है। बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, आइए चलते हैं।
सुल्तान मौसम, ग्रिफिन साहब आपसे मुलाकात के मुंतजर हैं। भेज दें। खुशामदीद जनाब ग्रिफिन। ग्रिफिन साहब, ये बर्लिन से आए हैं और ये तारुफ की जरूरत नहीं। तहसीन पाशा, जनाब ग्रिफिन हमारे दोस्त हैं, खतूत के जरिए हमारा राबता रहा है। अगरचे इतने सालों में हमारी कभी एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अच्छी तरह वाकिफ हैं हम दोनों। आइए, घुटनों के मर्ज से निजात मिल गई आपको। अब काफी बेहतर है सुल्तान मुअज्जम। माजरत चाहते हैं, लेकिन आपको कुछ देर खड़ा रखेंगे हम। अपने ख्वाब की ताबीर चाहते हैं हम। ग्रिफिन साहब, हम बर्लिन इस्तांबुल रेलवे लाइन को बगदाद और हिजाज से मुंसलिक करना चाहते हैं, ताकि हमारी कौम को अर्ज़ मुकद्दस के सफर में सहूलत हासिल हो। इस तरह इन इलाकों का आपस में राबता पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मेरे ख्याल से रेलवे लाइन का मकसद सिर्फ ये नहीं है, यकीनन इसके पीछे दीगर फवायद भी होंगे। बिल्कुल, इसलिए आपको मदु किया है हमने। उन जमीनों के नीचे मौजूद तेल बहुत कीमती है। तेल और मादनियात की काने, खास तौर पर तेल। हम इस रेलवे लाइन के जरिए पहले तेल को यहाँ से यूरोप भेजेंगे और फिर बहरी जहाजों के जरिए अमरीका। यानी तेल की कीमत का अंदाजा लगा चुके हैं आप? और चूंकि आप यहाँ है, इसका मतलब है कि आपने हमारी दोस्ती की कदर जान ली है। ग्रिफिन साहब, हम आपको इन सारे कामों में शरीक होने की पेशकश कर रहे हैं। वाह वाह सुल्तान मौज़म, तेल के ज़खायर के मकामात का कोई नक्शा है आपके पास? बिल्कुल, वो नक्शा बहुत जल्द हमारे पास पहुंचा दिया जाएगा। तब तक आप इस्तांबुल में आराम कीजिए, पाए तख्त के अजाइबात का मुशाहिदा कीजिए। इदारे की शराकत और दूसरे मामलात के बारे में बाद में गुफ्तगू करेंगे। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। नक्शा कहाँ है? बताओ मुझे फौरन। नक्शा कहाँ है मैं नहीं बता सकता तुम्हें। मार दो मुझे, जल्दी बताओ मुझे नक्शा कहाँ छुपाया है, बताओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। कहा ना, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। तुम पकड़े गए उस्मान, क्या राज की हिफाजत इस तरह की जाती है? फिक्र मत करो तुम, ये नक्शे तक नहीं पहुंच सकते। ट्रेन से छलांग लगाते हुए मैंने इन्हें देख लिया था कि ये ताकुब कर रहे हैं मेरा। जल्दी बताओ वरना जान से मार दूंगा। नहीं, तुम्हारे दोस्त ने भी मरने से पहले यही कहा था मुझसे। बताओ जल्दी, मत मारना। बताते हो या नहीं? मत मारो उसे, रुक जाओ। Oh, my God.
अपने पीछे देखो। साथी का है बताओ मुझे। ये तो मर गया, ये भी मर गया। आपने बुलाया वाले था? आइए शहजादे, आइए बैठिए हमारे पास, आपसे कुछ बातें करनी है। किस बारे में? आप में होने वाली तब्दीली के बारे में। कुछ अरसे से हम महसूस तो कर रहे थे, मगर शहजादी नाइमी ने तफसील बताई तो समझ आया। तो फिर क्या बताया उन्होंने आपको? शादी के ख्वाहिशमंद हैं आप अब्दुल कादिर। नाइमे पे गुस्सा मत कीजिएगा, हमारे इसरार पे बताया उन्होंने। कोई हतमी फैसला नहीं हुआ वालिदा, नाइमे ने बताने में बहुत जल्दी कर दी। अब्दुल कादिर, आप शहजादे हैं, अगर आप शादी का इरादा कर लें तो कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या ये मुमकिन है कि वो आपको इनकार करते? कबूल भी नहीं किया। ये लड़कियों की फितरत है अब्दुल कादिर, ऐसी पेशकश का जवाब देने में वो जल्दबाजी नहीं किया करती, मायूब समझती हैं। तो क्या हमें सवाल दोहराना चाहिए अपना? इतनी जल्दी मत कीजिए आप, पहले अपने बाबा से शादी के मुतालिक उनकी मर्जी मालूम कर लेनी चाहिए आपको। वो आपको फराइज अदा करने वाले, जिम्मेदारियां निभाने वाले शहजादे की सूरत में देखना चाहते हैं। आपकी ख्वाहिश पूरी करना हमारे लिए नामुमकिन है वालिदा, नामुमकिन है। बैठिए, बैठकर बात करते हैं हम। आपके बाबा ने तेल का इदारा कायम करने के लिए इश्तिहार दिया है, अगर ये फरीजा आप अपने जिम्मे ले लें और इसे अंजाम तक पहुंचाएं तो आपका काम आसान हो जाएगा। तेल? हमें तेल के बारे में जरा भी मालूमात नहीं है, ये लीजिए। शहजादे, इस काम में कई ऐसे लोग शामिल होंगे जो माहिर होंगे, अहम बात यह है कि आप अपना जोश और अज़्म जाहिर करें। अगर आपने बाबा को अपनी काबिलियत और दिलचस्पी का यकीन दिला दिया तो वो आपको जिम्मेदारी दे देंगे। रह गए थे तुम? अंदर आओ, अंदर आओ। बाबा, आप जानते हैं कि हम महल के मेहमान खाने में रहते हैं, बाहर निकलना मुश्किल होता है। बहाने मत करो बेटा,
भुने हुए गोश्त की महक है। ये तो वाकई भुना हुआ गोश्त है। महल के बावर्ची खाने से लाया हूँ। पर संदे, कितने दिन बाद मिला है मुझे ये। यानी अब तक अब्दुल हमीद का रिस्क खा रहे हैं हम। बिस्मिल्ला। सब आती खबर पड़ी तुमने? अब्दुल हमीद के हुक्म से रियासती इदारे की तर्ज पर तेल की तरसील का इदारा कायम किया जा रहा है। इसमें से क्या खास बात है बाबा? यहाँ बैठो, बैठो यहाँ जल्दी। इस खबर से मुतालिक तुम्हारी मालूमात क्या हैं? सुल्तान ने मंसूबा शुरू किया है, नक्शे बनवाने का हुक्म दिया उसने। कैसे नक्शे? निशानदेही, जहाँ तेल है। तेल है? दो मुकामात के नक्शे बन भी चुके हैं, लेकिन हमारा इससे क्या लेना देना? सबातीन, रेलवे मंसूबे का असल मकसद तेल की तरसीलात ही था। ले जाने का जरिया ही ना हो तो तेल निकालने का फायदा क्या है ना? अब्दुल हमीद का पहला कदम उन इलाकों तक रेलवे लाइन पहुंचाना था, और अब ये दूसरा कदम शराकती तरसीली इदारे का कायम है। क्या करना चाहिए हमें? सबातीन, हम तुम्हें इस नए तेल की तरसील के इदारे का मुंतजिम मुकर्रर करवाएंगे। तुम्हें अभी इसकी कदर नहीं है, लेकिन अगर तुमने एक बार ये इदारा चलाना शुरू कर दिया तो फिर हर शख्स ये कहेगा वो रहे सबाहतीन साहब। हाँ, अच्छी बात है बाबा, लेकिन क्या सुल्तान तैनात करेगा मुझे? आखिर क्यों तैनात नहीं करेगा भाई, तुम जवान हो, जहीन हो, तुम सही फैसला करने की सलाहियत रखते हो, और फिर दूर अंदेशी के साथ मुस्तकबिल की मुनाफा बख्श जमीनों को परख कर सरमायाकारी भी कर सकते हो। माजरत चाहता हूँ बाबा, लेकिन मैं आपके मशवरे पर अमल नहीं कर सकता। छोड़ो सबाहतीन, तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तुम सिर्फ अपनी वालिदा को ले आओ, बस काफी है। सुल्तान को लाने का कहें तो शायद ले भी आऊं, लेकिन वालिदा को नहीं ला सकता मैं। सबाहतीन सुनो, रियासत में नई बिसात बिछाई जा रही है, हमें भी इस खेल में अपनी जगह पक्की करनी है। अगर हम ऐसा न कर सके तो तुम्हारा मुकद्दर मेरे मुकद्दर से ज्यादा भयानक हो जाएगा। बेटा, मैं ये सब अपने लिए नहीं कह रहा तुमसे, ये सब बस तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए कह रहा हूँ। तुम बस जाकर अपनी वालिदा को यही बात बताओ। सबाहतीन, सबाहतीन, कुछ रकम है तुम्हारे पास? रकम? ये नहीं कह रहा कि मेरी मदद करो तुम, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा कर्ज दे दो, जब होंगे तो लौटा दूंगा। सिर्फ आपका माल ही जब्त नहीं हुआ है बाबा, हमारा वजीफा भी रोक दिया गया है। आह अब्दुल हमीद, आह, हमारे हाथ पांव बांध कर रखती है। तुम बस जाओ और अपनी वालिदा को यहाँ ले आओ। जाओ जाओ। खुश आमदीद ग्रिफिड साहब। हम अपने मेहमानों की यहां मेहमान नवाजी करते हैं। कुछ पिएंगे आप? कौन हो तुम? मैं नहीं, तुम हूं। आखिर कब तक संभालेंगे इसे? खत्म कर देते हैं। नहीं मार्को, ग्रिफिन साहब खूनी सुल्तान के साथ पिछले कई सालों से राबते में है। हमारे मेहमान अब हमें वो सब बताएंगे जो ये जानते हैं, और यूं इनको जीने का हक हासिल हो जाएगा। और अगर ऐसा ना किया तो ये मर जाएंगे। कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें। हाँ,
मार्को, मार्को, मार्को! जनाब ग्रिफिन को कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो। यकीनन जब ये गौर करेंगे तो इन्हें हमारी पेशकश की अहमियत का अंदाजा हो जाएगा। थोड़ी सी मालूमात दे दें, बदले में अपनी आजादी ले लें। तुमसे पहले तुम्हारी खबर यहां आ चुकी है। यूरोप के अखबारात में तुम्हारी शह सुर्खियां छपी हैं फरजंद। जर्मन इंजीनियर का होटल के कमरे में कत्ल कर दिया गया। मैंने कहा था तुमसे, हमारे तरीके सियासत में फैसले से पहले सजा नहीं दी जाती। मैंने इंसाफ की कोशिश की थी, उन लोगों को नसीहत की है जो हमारी रियासत पर बुरी निगाह रखते हैं। तुम रियासत को अपने उसूलों के मुताबिक चलाना चाहते हो। हमारे हुक्म की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी नजर में मुराद। अस्तग़फिरुल्लाह। अगर हम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चलना शुरू कर दें तो जितने गद्दार हमारे अतराफ मौजूद हैं उनके खून से यह महल और पाया तख्त रंगीन हो जाएगा। हमसे ज्यादा गद्दार पैगंबर अकरम के अतराफ में मौजूद थे फरजंद। हम भी वही दुआ करते हैं जो उन्होंने सिखाई। वो नहीं जानते, अगर जानते तो कभी ऐसा नहीं करते। तफसील से आगाह करो। वो ट्रेन में भी हमारे ताकुब में थे और उन लोगों ने हम पर हमला भी किया। मैंने नक्शा संभाला और ट्रेन से कूद गया। मुराद ने ट्रेन में रुक के उनका मुकाबला किया। ट्रेन की बोगी उन जासूसों से भरी हुई थी। कितने जासूस थे? तकरीबन 20 मेरे सुल्तान। मतलब पाया तख्त में 20 जासूस दाखिल हो चुके हैं। हमें उन सब पे नजर रखनी होगी ताकि ये मालूम हो सके कि नक्शे के पीछे कौन है। जल्द से जल्द उन जासूसों को तलाश करो। जैसा आपको हुक्म मेरे सुल्तान। हमारे साथी नाकाम हो गए। वो अब्दुल हमीद के जासूसों से नक्शा हासिल नहीं कर सके। अब क्या करेंगे हम? इस वक्त वो लोग कहां हैं? पाया तख्त में आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। अब वो नक्शा महल से कैसे हासिल करेंगे? वो नक्शे हासिल करना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं। अब्दुल हमीद खुद वो नक्शे अपने हाथों से देखा। तुम भूखे हो ना? अच्छी बात है, भूख की वजह से और खतरनाक हो गए। मैं उसका राज तो नहीं जानता, मगर वो आपको खत्म करना चाहता है। आपका खादिम हिरम। क्या आप तेल का वो इदारा खुद चलाना चाहते हैं फरजंद? सुल्तान मौजम के साथ गद्दारी करने वालों से वो अभी भी रابطे में है, ये शक था हमें, और आज की ये खबर इस बात का सबूत है। रुक जा, सब बताता हूँ। कमालुद्दीन पाशा और नाइमे की शादी में अब ताखिर नहीं करनी चाहिए। हमें शर्फ है हमारे लिए।